सॉरी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से ही सलामत होंगे, घर में भी सब खैर खैरियत ही होगा। टुडे टॉपिक है मेरा एकोमोडेशन इन यूके, और फिर लंदन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नीदरलैंड, आयरलैंड, जिधर भी हो एकोमोडेशन का मसला बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये जो प्लान था उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही नहीं हुई, बिकॉज़ जब पहले लोग आते थे तो सितंबर के लिए वेट करते कि जो पुराने स्टूडेंट हो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, और जो उधर जो रहते हैं जो पुराने फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में या शेयरिंग रूम्स में, तो उनका एक साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है 44 वीक्स या 51 वीक्स, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वो पुराने स्टूडेंट्स ने एक्सटेंड कर दिए, तो इसलिए जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और इसकी वजह यही मुझे लग रहा है कि यही है कि जो पुराने स्टूडेंट है वो इस बार जो एग्जैक्ट वीज़े होते हैं पाकिस्तान के लिए या छींग आ रही है जो एग्जैक्ट वीज़े होते हैं, एक साल का आप लोग स्टडी यहाँ पे डिग्री कर लो, मास्टर का मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप एग्जैक्ट लोगे यहाँ से पाकिस्तान के लिए, जिधर आप जाते हो तो मतलब आप लोग ने एग्जैक्ट ज़रूर लेना है। तो इस हिसाब से उन लोगों का ज़्यादातर लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे एक साल का, और पुराने जो स्टूडेंट हैं वो घर चले जाते हैं या फिर आते हैं, पर एक दो महीने बाद वो फिर अपने लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स के होते हैं, जो जितना मुझे पता है वो बता रहा हूँ। और जो न्यू आते हैं तो इसके लिए फिर आसानी होती है, जो फ्लैट्स खाली होते हैं तो हर जगह पे टैग्स लगे होते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट हो जा होती है, तो इस बार ये सीन फ्लॉप है यहाँ पे, बिकॉज लैंडलॉर्ड ने इस फीस में इजाफा कर लिया है ऑलरेडी, तो पुराने स्टूडेंट ने कहा कि अगर इसने इजाफा किया है तो हम क्यों जाए, फिर क्यों ये पुराना अपार्टमेंट छोड़ दें। तो उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, स्टूडेंट्स ने भी जो पुराने उन लोगों ने भी फ़ायदा उठाया कि बस चलो हम इसी में ही स्टे करेंगे, किसी और जगह नहीं जाएंगे, ना एग्जैक्ट वीज़ा लेंगे। तो मुझे तो यही लगता है। अब मेन टॉपिक में मैं आता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं जो मशवरा दे रहा हूँ उस पर अगर आप लोगों ने सही चल गए तो सही है, अदरवाइज़ फिर आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एक मंथ तक या दो मंथ तक हॉस्टल जो इंटरनल हॉस्टल है उस पर आप लोग जाए, बिकॉज अगर इस तरह होटल में स्टे करोगे और एक एक होटल दो दो होटल में आप लोग स्टे करोगे तो ऑलरेडी 100-200 पाउंड आप लोग इससे लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक महीना या दो महीने तक आप लोग इंटरनल हॉस्टल में रहो तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि चार लोग की जगह यहाँ पे जो चार लोग की अपार्टमेंट होते हैं, बेडरूम होता है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, उनमें से 9, 10, 12 और 7 बंदे रहते हैं, तो ये यहाँ के लिए बहुत ये इल्लीगल है यहाँ पे, तो ये बहुत मसले क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे मेरा मशवरा ये है इंटरनल हॉस्टल में अपने लिए एडमिशन कर दें एक महीने दो महीने के लिए। इस बात का आप लोग टेंशन लो कि इंटरनेट से हम पार्ट टाइम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, किस टाइम निकलेंगे किस नहीं, तो ये उस तरह नहीं है, मतलब जहाँ मर्जी हो आप निकल सकते हैं, और जिस टाइम पार्ट टाइम हो आप भी वहाँ से निकल सकते हैं, अपने पार्ट टाइम कर सकते हो, और जो मतलब फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम करेंगे आप लोग आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट हो ज़रूर कर लेगा, और उनके साथ जो सर्कल होता है फ्रेंड्स का तो वो भी किसी के सहारे रहता है, जो अगर उन्होंने जो मेन बंदा होता है उसने ली है तो उसने इस एग्रीमेंट पे लिया कि मैं 4 या 5 बंदों को रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, और इससे मतलब उस लैंडलॉर्ड को पता चल गया तो उस बंदे को भी निकाले घर से, कॉन्टैक्ट भी ख़त्म होगा और जो डिपॉज़िट दी है वो भी ख़त्म होगा। तो ये मेन रीज़न जो अंदर की बात है यही है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादा फ्लैट्स में बंदों को नहीं रखते कि वैसे ना हो कि एचआप वगैरह या इस तरह कुछ सीन क्रिएट हो जाए। इसलिए तो एक लंदन में एक वाकया आया था कि एक फ्लैट में 36 से कितने लोग, 36 लोग थे उसमें, तो उस तरह वाकया यहाँ भी आ सकता है।
तो मैं तो रिकमेंड पहला करता हूँ कि आप लोग पहला स्टेप ये कि इंटरनल, अगर नहीं पे फ्रेंड कहते कि हम गारंटी देते कि आप आ जाओ यहाँ पे आप स्टे कर लोगे तो वेल एंड गुड, ऐसे तो बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। आप लोग वहाँ जा सकते हो, ज़रूर जा सकते हो। और दूसरा ये कि अगर शेयरिंग रूम में तो मैं तो ऑनलाइन वगैरह वेबसाइट या जो साइट होते हैं इस पर भरोसा नहीं कर, जो अंबर और ये जो जोपला है, जो booking.com है, उन पे आप लोग शेयरिंग रूम में जाए तो उन्होंने 700 800 का पर हेड डाला है, तो ये और 100 का डिपॉजिट, अगर इससे अच्छा है तो इंटरनल ही अच्छा है। तो यही चल रहा है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा किए अप्लाई वगैरह की है, तो उन अंबर वाल ने कहा कि 700 या 600 या 650 पर हेड शेयरिंग रूम में आप आ सकते हो। तो मैंने कहा नहीं वैसा, मेरा रेंज तो 300 या 400 ही है, अगर शेयरिंग फ्लैट में रहते हो तो 300 या 250 या 350 तक बिल, कॉन्सर्ट टैक्स, फूड एंड रेंट ये आ सकता है पर हेड पे। तो अगर आप लोग 600 या 700 सिर्फ उसकी रेंट दे दे तो आप खाने पे और कॉन्सर्ट टैक्स और इस तरह चीज, मतलब वो तो आ जाएगा 600 650 में, पर खाने का आप लोग क्या करोगे, ये भी एक मेन क्वेश्चन मार्क है। अगर चलो 700 600 पे आप लोग मतलब एडजस्ट कर लोगे वहाँ पे, तो फिर खाने पे क्या करोगे आप लोग, कहोगे कि इंटरनल में क्या होगा, तो इंटरनल पे इसलिए कह रहे हो कि आप लोग को एक छत मिलेगा, उधर भी छत मिलेगा, इसमें आप लोग का यही फायदा है, टर्न में रहोगे तो किसी के ये भरोसे में ये आवाज नहीं होगा कि चलो ये बंद है तो मुझे कल निकालेगा अपने रूम से, ये भी एक पॉइंट होता है। तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसी तरह जाए, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से बचे रहे, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, आप लोग बचे हो, ये मार्केट प्लेस होगा या फेसबुक का, ये तो मैं हर किसी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तो 100% फ्रॉड ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई, तो अगर नहीं आई आप लोग की मर्जी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस बात को, उसको बताएं कि इस तरह सीन चल रहे हैं यहाँ पे, कि वो लोग अलर्ट हो मेंटली और प्रिफेयर हो इन चीज़ों के लिए। फिर अल्लाह हाफिज़।